माँ मेरे लिए अरसा बना कर लाए हैं। रूपी तो बोरा भर भर साज के रखी हुई है। यहाँ पे दाल है, इसमें चावल है और ये निचोना जो सरसों का तेल होता है ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रूबी आर्या ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं ससुराल में। सासू माँ ने बुलाया था, रात को ही फ़ोन किए थे, बट सुबह में बहुत सारा काम होता है ना, तो हम लोग निकल नहीं पाते हैं। सारा बाबू लोग को भी देखना होता है, तो सोचे कि थोड़ा लेट से ही जाएंगे। और आने के बाद तो सासू माँ चले गए थे ड्यूटी, बट उनको बहुत मिस कर रहे हैं और बाबा दादी को भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पर तो बहुत मज़ा आता था। अरे इधर क्या हो रहा है, कहाँ जाएंगे? हाँ, इधर गोदी में को हाथ तीर रहा है। कहाँ जा रहा है? देखो, अरे कैसे करें? दो को ना थोड़ा सा हल्का सा फीवर आ गया था, क्योंकि अभी जानते हैं ना मौसम चेंज हो रहा है। कहाँ लेके जाएगा हमको? हमको अच्छा नहीं लग रहा था। चाचू कहाँ गए? चाचू जा, चाचू पसंद ना जा, कुछ खाना है दुकान में इसको। ओ, तो भेजिए ना बाबू को, कुछ ला देंगे पिंटू। तो लो बाबू कब जाए उसको लेके आते दुकान में, कैसे लेके जाए उसको भी ले जाए। नहीं नहीं नहीं, झूठ है, ये सब कोई डिस्कस कर रहे हैं। बाबू कुछ खाने लिए बाबू को ला दीजिए ना। अच्छा। दे दीजिए, कुछ भी खाएगा तो बाबू क्या खाएगा? इसको देख लो, कम लीजिए, पैसा लेकर लीजिए, पैसा लीजिए। अभी बंद रहेगा थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए और प्रसाद खा लेते हैं। सासू माँ ने बोला था कि आने के बाद ना आप सबसे पहले प्रसाद खा लीजिएगा, क्योंकि हमारे घर गांव में पूजा हुआ था, आप सभी जानते हैं। और आने के बाद ना, नहीं कुकुरेले मत दीजिएगा, ये सब मूंग दाल या फिर बाबू को पसंद है वही मांग रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद। दादी बाबा दोनों हम लोग के लिए बहुत सारा सामान भेजे हैं कि नहीं नहीं मेरी क्या बोलते हैं पर पुतो हो मैं बबीता ना। तो उनको बहुत मिस कर रहे हैं, बट गांव में भी शादी था इसलिए दोनों नहीं आ पाए। बहुत जल्द बाबा दादी से मुलाकात भी होगा हमारे ब्लॉग में। तो फिलहाल तो खाना पीना निकाले, भूख लगा मिल जाता तो बड़ी नाम लेते। ठीक है, निकाल दे रहे हैं। बहुत चीज दादी भेजी भी है, तेल है और क्या दाल है, चावल है और सेमी भी है जो ग्रीन वाला रहता है। हाँ, गांव का है ना, अच्छा लगता है खाने में। तो गांव का सेमी है तो जाहिर सी बात है गांव का तो टेस्टी रहता है। तो वो सब अभी सब निकाल देंगे। वैसे भी मम्मी पहले ही निकाल के कुछ कुछ निकाल के चले गए, धूप भी काफी ज्यादा है ना, तो हम लोग थोड़ा लेट से आए वहाँ से। आहा, उनका मस्ती चल रहा है फिर। हाँ, उनका अच्छा लगता आते हैं यहाँ तो पहले चूहा का उपाय कर दो, इसके बाद कुछ करना। क्योंकि हम लोग बहुत देर से आए थे, आने के बाद थोड़ा सा मस्ती उस्ती हो रहा था और कुछ कुछ वीडियो भी बन रहा था, तो बस उसी में थोड़ा लेट हो गया। तो चलते हैं पहले खाना पीना खा लेते हैं। वैसे भी ऊपर का जो नल है ना, हम लोग बंद कर दिए थे, डूब के चलते आते तो तुरंत भिड़ जाते हैं वो। और ये क्या है? बैर। ये बाबा, हाँ बैर है, अगर खाइए तो खाइए। बैर नहीं है, बेर है, दवा है ये खांसी का। नहीं, बेर से बैर होता है, इसे कहा जाता है। बेर से बैर होता है। हमको सची में, हम बहुत पहले मना करे, जब मेरा टोन्सिल का प्रॉब्लम था ना, तो हमको डॉक्टर मना किए थे कि बैर से बैर है। वाला उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, ज्यादा कच्चा वाला खाने में प्रॉब्लम। तो टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि आपको फीडिंग में आते हैं प्रॉब्लम होगा ना। जिंदगी में हर चीज खाना चाहिए। तो खा कर देखी, टेस्ट करती तो लग रहा है कि सब बॉयल ही यार। सच में वाकई में माँ नहीं होते हैं घर पर ना, तो मज़ा ही नहीं आता है, लगता है ना कि वीडियो में जान ही नहीं। और आप सभी हमारे सास माँ को भी देखते हैं, बहुत सारा प्यार देते हैं। तो वैसे भी नन्ना जी तो गुस्सा रहती हैं हमसे, आप सभी जानते हैं। नहीं भाई, गुस्सा नहीं है बिल्कुल भी नहीं। आप सब वीडियो क्लास में पूछते हैं कि नन्ना जी गुस्सा क्यों है। मैया गुस्सा है हमसे क्योंकि हम दोनों का बॉन्डिंग ऐसा ही है। हाँ बाबू, दुकान है इसलिए तो इसको यहाँ नहीं रखते हैं, यहाँ रहता भी नहीं। हाँ, मूंग दाल कोई दिखा, इतना सारा बिट्टू, आइए अंदर, आइए आ जाइए अंदर। मैडम जी ना प्रसादी निकाल रहे हैं और सब रख के लाए हुए ना, अब इनको प्रसादी चाहिए, मांग रहे हैं। हाँ बेटा, ये देखिए माँ मेरे लिए अरसा बना कर लाए हैं। ये अरसा तो हम मेरे लिए ही लेके जाते हैं घर, लेकिन हम तो खाते ही नहीं है ना, हम चबा जाते हैं। चावल तो डालना पड़ेगा, देखिए भी नहीं हम। अच्छा ठीक है, बना ले रहे हैं और वही तो रीजन है हम लेके जाते हैं वहाँ, हस्बैंड सारा खत्म करते खा कर। झूठ नहीं बोलने का किसी को ना, कैसे झूठ हुआ? आप पहले प्रसादी निकालो, उसके बाद बात करते हैं। प्रसादी खाओ पहले, निकाल रहे लास्ट टपक रहे अरसा पर।
नहीं नहीं ऐसा बात नहीं। नहीं तो फिर प्रसादी की बात हुआ तो प्रसादी दिखा दो, ऐसा क्यों दिखा दो? बाबू बाबू देते हैं पहले गुड़ अलग खिला देंगे। ये माँ अलग से बना है, ये प्रसादी नहीं, नहीं नहीं ये अलग से खाइएगा, थोड़ा दें लीजिए, चुरम चुरम बेटा खाइए, यम्मी यम्मी, अरे वाह, अच्छा लगा, हाँ अच्छा लगा। तो ये है हमारे घर का प्रसाद जो कि हम आप सबको भी नहीं खिला सकते हैं, बस सिर्फ अरसा खिला सकते हैं। तो आप सब आ जाइए माँ के सासू माँ के हाथ का बना हुआ ये अरसा खाने के लिए, और अभी जा रहे हम लोग प्रसाद खा लेते हैं क्योंकि दादी जो है ना मतलब रूबी की दादी सास वो बहुत ज़्यादा वो हमको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जब गाँव जाएंगे ना, हम अपने मायके जाएंगे ना, तब फिर हम जाएंगे बाबा से मिलने के लिए। तो अभी माँ बोल कर गए हैं मैया को, अभी सेम ही निकाल रहे हैं भाभी के लिए देने के लिए। तो पूरा गोदरेज भर के रखा हुआ है, सीम है, बैगन है, निकाल के रखी है काफी। बोले थे कि सब निकाल दिली वाले जी है, बैगन लेके जाइएगा क्या? बैगन कौन खाएगा? झिंगाई ले कोई, झिंगाई ले, झिंगाई ले का तो कोई कोई। फ्रीज से क्या निकल रहा है भाई? सेम सब माँ निकाल के गए हैं कि मैया को आएगा कि नहीं आएगा करने। आज बबीता घर बाहर निकल रही है। और बीज लगाने के लिए भी ले लेते हैं एक दो पीस का ना भैया, नीचे लगा देंगे अच्छा रहेगा। कितना अच्छा सीम है यार, पक्का वो गोटा खाने में। इसका गोटा नहीं, इसका गोटा नहीं, बड़ा बन गया सीम तो, फ्रीज में रखा होता तो वाह। बस रूबी के कपड़ा पर डाल देना, बड़का मेरे कपार पे काम कीजिएगा, मेरे कपार पे कर देंगे का। हाँ सबसे बढ़िया। अब बबीता वही उठा के ले जा रहे हैं कपार पे का बड़का। हाँ हाँ कर रहे दोनों भाई बहन। देखो चावल कैसा है, कोटा ना चावल है, अच्छा लगता है खाना, अच्छा है ना। मंसूरिया है, मंसूरिया नहीं तो फिर आप ही लोग बोलते हैं मंसूरिया है, बताइए तुम्हें हमको भैया बोल रहे हैं मंसूरिया। चावल का नाम है मंसूरिया, चावल का नाम है। मैडम भी नहीं छू सकते हैं, क्या कहे कहाँ की नहीं पता नहीं ना, माँ रहते तो पूरा क्लियर हो जाता, माँ नहीं ना है और माँ रात को लेट से आएंगे उतना देर रुक नहीं पाएंगे। तुमको भी ले चलेंगे, सुनी थी बबीता को बताने में बड़ी मजा आता है बाबू से। जब खेलते उलते हैं ना तब अच्छा लगता है। सब डीएम डाल दीजिएगा मैया, काफी नखो नहीं गिरा है फोन पे की पार्ला भी लबई हो दलिया, हमने मार देते ये घर का डायरेक्ट हो गई। हाँ के मतलब भात बंद कर दी बंद ना पानी देखा थी कम क्यों कर दे फटल ना है ना। अरे ये ना अभी रुकना, ओ कौन डाल है अच्छा दादी इतना उमंग से भेजी है तो कैसे नहीं लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे तो उनको तकलीफ लग जाएगा क्योंकि घर का सब पैदावार है ना, तो उसी से नहीं जाएंगे। और जाए तो दादी रिक्वेस्ट करके भेजी थी कि जहाँ पर ऐसे घर का चीज़ तो दोस्तों आज देखो रूबी ने बोरा भर भर साज के रखी हुई है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नहीं साजे हैं, गलत क्यों बोल रहे हैं? तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी गांव गई थी ना तो दादी और दादाजी स्पेशल भैया के लिए दिए हैं, मतलब दादी जी बोल दिए थे और दादाजी की रंजैया के लिए दिए हैं, मम्मी ऑटोमेटिक सुबह से निकाल के गई है। तो अभी लोग भैया यहीं पे खाना वगैरह सब अभी खाना बाकी मतलब बाकी है। और ये है पैर, ये है गाँव का सेमी जो जो कि बहुत अच्छा लगता है। हाँ अच्छा लगता है खाने में। और इसमें चावल है और ये प्रसाद पूजा का प्रसाद है ये, और यहाँ पे दाल है, इसमें चावल है, और ये निचूना जो सरसों का तेल होता है ना
मम्मी इसको क्या करवा के खेती होता है और वो मिल रही होता है ना वो तो सामान बहुत सारा है और इतना लेके कैसे जाएंगे नहीं पता। मेरा बाल रूबी को अगर लग रहा है कि सब लेके चली जाएगी तो बढ़िया है। क्या हम कैसे लेके जा पाएंगे? कपार पर लाते आप जाइए, हम रहेंगे यहाँ। रहना है, हम नहीं रह सकते हैं। हाँ तो रह लो फिर तो अच्छा है, जाइए बाबू को लेके। उसका पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, वो किए जा रहा है। इसीलिए गुस्सा कर रहा था कि कोई हमको पूछ नहीं रहा है। धीरे धीरे बहुत ज्यादा सीख रहे हैं अब, बहुत पीटा खाते हमारी ऐसी मस्ती चलती रहती है, बस आप सब प्यार और सपोर्ट दीजिएगा तो एक बार साइड कर लेंगे। पहले खाना ना सब खा लेते हैं, जैसे बना है खाना। पता है रुबी, क्या जी? इसका ना वो क्या बोलते हैं, उबाल कर बनाते हैं। हाँ, दाल का बनेगा उबाल। हाँ, इसी टाइप का बनेगा। हाँ, सब्जी इसका इतना बढ़िया लगता है जब दाना का होता है, आलू दाल बनाने से मजा। ठीक है, हमारे पति देव जी आपकी फरमाइश पूरी हो जाएगी, मुझे पता है। इसलिए बाबा को पता था, किसे बोलते हुए था रंजिया कैसे लेकर जाएगा। वो बात अलग है, लगी है मैडम जी को जोरों की भूख और चावल बनाए ना। आपको सुबह खाए फिर कहाँ खाए? आने के बाद इतना है ना टाइम। हाँ, हर बात मेरे ऊपर ब्लेम। देखिए नाना जी मेरे साइड में है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे किसी पर आप भी निकल रहा है ना कैसा? बस कैसे चल रहा है जिंदगी, कट रहा है क्या? क्या? अरे वाह, आज बना है पता है क्या, सेमी का सब्जी, मजा आ जाएगा आज। निकाल दे, अभी हम कभी निकाल दे, अभी नहीं खाइए, खाइए। इसका टेस्ट सबसे अलग होता है, एकदम गोटा वाला मरा वाला बना है का मैया इसमें दे। हाँ। बस अब खा लो, हो जाएगा ना। सब खा लिए ना, बाबू खा लिए हैं, पिंटू, हम, मैया, बाकी लीजिए। तो आप सभी आ जाइए, हमारे गांव का ही सारा है, चावल भी गांव का है, दाल भी गांव का है और सब्जी भी गांव का है। तो थैंक यू बाबा दादी। तो दोस्तों आप सब ने देखा कि माँ इसीलिए हम लोग बुलाए थे प्रसाद खाने के लिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, गांव का है और भगवान जी के ऊपर चढ़ा हुआ था। दादी बाबा सब लोग बोले थे कि जाके उन लोग प्रसाद खिला दीजिएगा, तो इसीलिए माँ सुबह सुबह एकदम रात को ही माँ खास माँ फोन किए थे आने के लिए। फिर सोचा ना कि हम लोग बाहर जाएंगे, कि माँ का ड्यूटी छुट्टी रहता है ना तो अच्छा लगता है, सब दिन भर हम लोग टाइम स्पेंड करते तो बहुत मजा भी आता है। लेकिन उनका ड्यूटी था, आने का मन नहीं था, बट फिर सोचा चलिए प्रसाद ग्रहण कर लेंगे और सबसे मिल भी लेंगे, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है सबके साथ टाइम स्पेंड करने का। और मम्मी चली गई ड्यूटी और यहाँ बैठे हम लोग का मस्ती। हाँ ठीक किए हैं, नहीं ठीक ही है, बंद किए। देखिए इधर रिमोट लेके बाबू खेले जा रहे हैं, इधर मैया अपना काम कर रहे हैं, उधर हस्बैंड जी अपना वीडियो एडिटिंग, इनका दिन भर का बस वही शेड्यूल है। इधर छोटा ना बाबू सो गया है। गाँव से कुछ आता है ना तो मेरे चाव से खाते हैं, पता है क्यों? उसका स्वाद अलग होता है, यहाँ पे इतना भी खा लिया लेकिन वो स्वाद आपको नहीं मिल पाएगा। और अभी आप बुबू साहब बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं टीवी चालू करने के लिए, और टीवी चालू नहीं कर रहे क्योंकि छोटे वाले सोए हैं, चालू कर देंगे। फुआ गुस्सा कर रहा है, मार दो वो। टीवी देखोगे? टीवी तो टी हाँ चला दो जल्दी जल्दी। आप लोग का आवाज सुनकर देखिए बाबू भी उठ गया। बस आज का ब्लॉग करते हैं एंड, मिलते हैं फिर न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।